न्यूज 18 इंडिया। हाय, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर है बिहार से। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया और इस पर सियासी जंग छिड़ गई है। आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है और कल ही राष्ट्रपति भवन की ओर से बयान जारी कर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान किया गया। बिहार की सियासत से जुड़े नेता इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि ये तो उनकी बहुत पुरानी मांग थी। वहीं पटना के मिलर स्कूल में कर्पूरी ठाकुर पर आयोजन को लेकर भी जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल बीजेपी की ओर से पटना के मिलर स्कूल का ग्राउंड बुक कराया गया था, लेकिन इसी स्कूल के ग्राउंड को जेडीयू ने अपने कार्यकर्ताओं के ठहरने के लिए कल ही बुक कर दिया था। अब सीधे ज्यादा जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। चंद्रमोहन, कहां पर आपकी मौजूदगी है और क्या ये पूरा विवाद शुरू हो चुका है, जरा डिटेल में दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, हम अभी बीरचंद पटेल पथ पर खड़े हैं, जहां पर सामने में बीजेपी का कार्यालय है और ठीक इसके आगे बढ़िएगा तो वहां आरजेडी का दफ्तर है, उसके सामने मिलर ग्राउंड है और वहीं पर जेडीयू का कार्यालय है। वहां मिलर ग्राउंड में बीजेपी का कार्यक्रम होना था, लेकिन अब तक वो ग्राउंड खाली नहीं हो पाया है। ऐसे में इस बीरचंद पटेल पथ पर बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर भारी संख्या में कुर्सी, साउंड और तमाम तैयारियाँ शुरू कर दी गई है और इसी बीरचंद पटेल पथ पर बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि मिलर ग्राउंड अब तक खाली नहीं कराया गया है। प्रशासन की तरफ से भी यह कहा गया था कि मिलर ग्राउंड वक्त पर खाली हो जाएगा, लेकिन अब तक खाली नहीं हो पाने की वजह से बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। और ऐसे में जब इस बीरचंद पटेल पथ पर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे, उससे ठीक पहले यहाँ पर जो जिला प्रशासन की टीम है, ट्रैफिक एसपी का टीम है, थाने जो पास के थाने हैं वहाँ के लोग पहुँच गए थे और यह अनाउंस कर रहे थे लगातार कि इस सड़क को सब लोग खाली करके रखें। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जब भारी संख्या में यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँचेंगे तो हंगामा होना तय है, क्योंकि यह सड़क पूरी तरीके से जाम हो जाएगा और आगे इसके आगे जो मिलर ग्राउंड है वहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ता ठहरे हैं, तो ऐसे में हंगामा होना तय माना जा रहा है। बीजेपी के तरफ से ये कहा गया था कि मिलर ग्राउंड को अगर जिला प्रशासन वक्त रहते खाली कराकर अगर दे देगा तो यहाँ पर कार्यक्रम करना आसान होगा, लेकिन यह आरोप लग रहा है बीजेपी की ओर से कि उसको जेडीयू की ओर से कब्जा कर लिया गया है और ऐसे में जगह नहीं मिलने के। एक बार फिर से रुख करेंगे, बिहार की तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो या इसके अलावा बीजेपी, सबको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जिस एबीसी तबके से आते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि वोट बैंक के लिहाज से वो कितना महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत रत्न दिए जाने के बाद भी आज खुशी मनाने के बजाय सारी पार्टियां आपस में लड़ रही है एक के बाद एक बयानबाजी। अब सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। पहले मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि यदि लोकतंत्र की हत्या इसी तरह होते रहेगी तो हम लोग मजबूर होंगे इसी बीरचंद पटेल पद पर हम पूरी कार्यक्रम को करेंगे और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने हम लोग कार्यालय के सामने कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करेंगे। किसी ने दरकिनार कर दिया तो लालू प्रसाद यादव ने कर दिया 1990 में आने के बाद। नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी जी को सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है। 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद और बधाई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज भारत रत्न की उपाधि से जो उन्हें सम्मान दिया गया है, सचमुच यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। चुनाव नजदीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने, इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए,
लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। आज ये हम लोगों के, हमारी पार्टी के दबाव में ये केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया है। तो कर्पूरी ठाकुर के नाम का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो चुकी है बिहार की सियासत में। इसे लेकर सियासी पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर बिहार की 3 प्रमुख सियासी दल रैली भी कर रहे हैं। जेडीयू पटना के वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं आरजेडी पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में एक समारोह आयोजित कर रही है। और बीजेपी की तरफ से पटना के मिलर स्कूल में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। और इसके साथ ही दिल्ली के विज्ञान भवन में बीजेपी की तरफ से कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जाएगी। दोपहर 3 बजे से होने वाले इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो बिहार की राजनीति के पुरोधा पुरुष कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न भले उनको आज मिला हो, लेकिन इसके पहले से ही वो प्रासंगिक रहे हैं बिहार की राजनीति में। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर पीएम मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के पुरोधा महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर एक लेख साझा किया है। उन्होंने योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया है और सच्चा जननायक भी बताया है। पीएम मोदी ने क्या कुछ अपने ट्वीट में यहाँ पर लिखा है, आपको बताते हैं कि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी है। उनके सामाजिक न्याय के लिए किए गए प्रयासों ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। उन्होंने कई कठिनाइयों को पार करते हुए बहुत कुछ हासिल किया, जिसके बारे में प्रधानमंत्री लिखते हैं, और सामाजिक सुधार के लिए उन्होंने काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन सादगी और सामाजिक न्याय के दो स्तंभों के इर्द गिर्द घूमता था। अपनी अंतिम सांस तक उनकी सरल जीवन शैली और विनम्र स्वभाव आम लोगों के बीच गहराई से जुड़ा रहा। उनकी राजनीतिक यात्रा को समाज के निर्माण के महान प्रयासों में पहचाना गया था, जहां संसाधनों को सही से बांटा गया और हर किसी को उनकी सामाजिक स्थिति देखे बिना मौका दिया गया। वो समाज में फैली असमानताओं को दूर करना चाहते थे। अपने आदर्शों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ऐसी थी कि जब चारों तरफ कांग्रेस का दबदबा था, इसके बावजूद वो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि उन्हें बहुत पहले ही यकीन हो गया था कि कांग्रेस अपने सिद्धांतों से भटक गई है। राजनीतिक जीवन में उन्होंने गरीबों के लिए, शिक्षा सुविधाओं में सुधार के लिए काम किया। उनके कामों की जेपी, डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह जैसे लोगों ने बहुत तारीफ की। पिछले 10 सालों में हमारी सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चल रही है, जो हमारी योजनाओं और नीतियों में दिखाई भी देती है, जिससे बड़ा बदलाव आया है। आगे प्रधानमंत्री लिखते हैं कि पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति के तौर पर मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो अपने काम की वजह से करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। वे सच्चे जननायक थे। लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिहार के राजनेताओं ने सिर्फ जयंती पर उन्हें याद किया। ये और बात है कि आज भावनाएं अलग तरीके से निकल रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले का कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ट्वीट चर्चा में आ गया, जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया था। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करके खुशी जाहिर की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को आभार नहीं जताया। तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नया ट्वीट अब चर्चा में आ गया है। आपको वो दोनों ट्वीट दिखाते हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद नहीं दिया था, बाद में उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट करके पोस्ट में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। देखिए, ये पुराना ट्वीट है। पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। ये पुराना ट्वीट, इसमें केंद्र सरकार का ये अच्छा निर्णय है, जिक्र उन्होंने किया उनकी 100वीं जयंती पर जो दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान दलितों, वंचितों और उपेक्षित तबकों के बीच सकारात्मक भाव पैदा करेगा। ये नीतीश कुमार का पुराना ट्वीट है। लेकिन जो दूसरा ट्वीट उन्होंने किया डिलीट करने के बाद, आपको बता दें यहाँ पर कि इसमें उन्होंने एक लाइन ऐड की, जिसमें उन्होंने लिखा कि इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं चंद्रमोहन, क्या कुछ वहां अपडेट्स हैं? जरा दर्शकों को बताइए क्या तस्वीरें मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर बीजेपी दफ्तर के सामने, जहाँ पर तैयारियाँ बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई है। भारी संख्या में कुर्सी मंगाए गए हैं, साउंड बॉक्स और जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका पहुँचना यहाँ पर शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है, जब इस बीरचंद पटेल पथ पर यह कार्यक्रम शुरू होगा तो हंगामा होना
तय माना जा रहा है, क्योंकि ठीक इसी सड़क पर आगे में जेडीयू के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, मिलर ग्राउंड में ठहरे हैं, और उसी मिलर ग्राउंड में बीजेपी का कार्यक्रम होना था। बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि अब तक जेडीयू की ओर से वो खाली नहीं किया गया है, ऐसे में अब बीजेपी ने इसी सड़क पर इसी जगह पर अपना कार्यक्रम करने का फैसला किया है, जिसमें बिहार एवं पिछड़े समाज के सम्मान बढ़ाते हुए सामाजिक समरसता के लिए जीवन अर्पित करने वाले राजनेता कर्पूरी ठाकुर का आज यहां पर शताब्दी समारोह मनाया जाएगा। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक तरफ यहां पर बीजेपी की ओर से होर्डिंग और पोस्टर जो लगाए गए थे उसको अब इस इलाके में लगाना शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये सारे लोग उस समाज शोषित गरीब पिछड़ों और दलितों के बल पर भी वोट मांग करके केंद्र की सत्ता में आए थे, पर किसी ने कर्पूरी ठाकुर को ये सम्मान नहीं दिया। और जब ये ताकतें बाहर जाती थी तब कहती थी कर्पूरी जी को सम्मान नहीं मिला। तो ये मुल्क जानता है कि जो लोग ऐसी चीजों पर अब राजनीति करते हैं उनका मकसद क्या है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा कि मेरे राजनीतिक और वैचारिक गुरु स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिलना चाहिए था। हमने सदन से लेकर सड़क तक की आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरोकार की मौजूदा बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई और आरक्षण का दायरा बहुजन हितार्थ में बढ़ा दिया। डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है, जिन्होंने बताया कि कर्पूरी ठाकुर उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उनके राह पर चलना बहुत मुश्किल है पार्टियों के लिए। और देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने कई अहम फैसले लिए थे और उनके फैसलों की मिसालें दी जाती थी, अब तक वो मिसालें दी जाती हैं। क्या कुछ बड़े फैसले उन्होंने लिए? देश में पहली बार ओबीसी आरक्षण उनकी तरफ से दिया गया था। यहाँ ये बता दें कि मैट्रिक तक की पढ़ाई को मुफ्त करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री थे और इसलिए उन्हें याद भी किया जाता है। पढ़ाई में अंग्रेजी की अनिवार्यता को उन्होंने समाप्त कर दिया था। साथ ही बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा उनके मुख्यमंत्री रहते ही दिया गया था और आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों और महिलाओं को उनकी तरफ से आरक्षण देने का काम किया गया था। साथ ही यहाँ जानकारी आपको दे दे कि गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को उन्होंने बंद किया था। ताकत का नरेंद्र मोदी की है कि गरीबों के लिए लड़ने वाले व्यक्ति को उन्होंने भारत रत्न, जो भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो देने का ऐलान किया है। तो कर्पूरी जी के सपनों को अगर कोई साकार कर रहा है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आगे 2024 का चुनाव है उसको ध्यान में रखकर ये उपाधि उनको दी गई है। सबके पीछे उनका एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे हम। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी जाहिर की। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि बिहार की भूमि के वीर सपूत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने देश की स्वतंत्रता से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक एक सर्वसमावेशी शासन व्यवस्था बनाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। वो जीवन पर्यंत पिछड़ों, दलितों, गरीबों और किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय उनके अथक संघर्षों की सच्ची श्रद्धांजलि है। इस निर्णय से युवा पीढ़ी कर्पूरी बाबू के विशाल योगदान को जान पाएगी। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा कि वंचित, उपेक्षित, उत्पीड़ित और उपहासित वर्गों के पैरोकार महान समाजवादी नेता एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की हमारी दशकों की पुरानी मांग पूरी होने पर अपार खुशी हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार को साधुवाद। ये तेजस्वी यादव का ट्वीट है। हालांकि जब लालू प्रसाद ने ट्वीट किया तो केंद्र सरकार को धन्यवाद नहीं दिया। और अब एक और बड़ी खबर आपको दे दे, आज ईडी की टीम पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम भारत तक एक्शन में दिखाई दे रही है। अब से कुछ देर बाद मुंबई में ईडी की टीम शरद पवार के पोते रोहित पवार से पूछताछ करेगी। 11 बजे के करीब शरद पवार और सुप्रिया सुले एनसीपी कार्यकर्ताओं के साथ ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हजारों की संख्या में एनसीपी कार्यकर्ता शरद पवार के घर पर जुटने शुरू हो चुके हैं। रोहित पवार पर महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले का आरोप लगा हुआ है और